नमस्कार, अब खबर है बहादुरगढ़ से। मनोहर सरकार बहादुरगढ़ के लोगों को दो दिन बाद एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। 24 जून यानी रविवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रो के ग्रीन लाइन का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस लाइन का शुभारंभ करने बहादुरगढ़ आ रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह और बहादुरगढ़ से विधायक नरेश कौशिक भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां मेट्रो का सफर भी करेंगे। DC सोनल गोयल ने बताया कि रविवार की सुबह मुंडका से बहादुरगढ़ की सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन तक पहली बार मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है। बहादुरगढ़ से मुंडका तक मेट्रो से जुड़ा होने के बाद रोजाना करीब 1.5 लाख लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। मेट्रो ग्रीन लाइन पर चलने के बाद एक तरफ जहां लोग महज 20 मिनट से बहादुरगढ़ से मुंडका की दूरी तय कर सकेंगे, वहीं सड़कों पर भी वाहनों का दबाव कम होने के कारण देश की राजधानी दिल्ली में लगने वाले जाम से काफी हद तक बचा जा सकेगा। करीब 9 मिनट के अंतराल के बाद मेट्रो ट्रेन यहां लोगों को मिल सकेगी। रविवार को बहादुरगढ़ के लोगों का अपने शहर से मेट्रो में बैठकर दिल्ली पहुंचने का सपना पूरा हो जाएगा। विधायक नरेश कौशिक का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए मांग करेंगे। बहादुरगढ़ से सुमित थारण की स्पेशल रिपोर्ट।